रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जेपी नड्डा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के गांधी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और नारेबाजी करके खुशी जाहिर की। जेपी नड्डा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के गांधी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और नारेबाजी करके खुशी जाहिर की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिला है, जिससे कि हमीरपुर वासियों में खुशी की लहर है। अत्री ने कहा कि जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं उन्हें वे बखूबी निभाएंगे। हिमाचल से संबंधित, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिला है। पूरे प्रदेश, पूरे देश की तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, हमीरपुर के लोगों में, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह लंबे समय से विभिन्न संगठनात्मक एवं अन्य पदों पर रहते हुए श्री नड्डा जी ने जिस बखूबी के साथ पूरे देश भर में काम किया है, इस दायित्व का भी उसी तरह बखूबी से निर्वाह करेंगे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में वो पूर्ण होगी। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा का कहना है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर वासियों में खुशी की लहर है और कहा कि यही विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हिमाचल एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है और छोटे से राज्य होने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो जेपी नड्डा जी बनाए गए हैं। इसके लिए हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है, उनको बधाई देते हैं और यही विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। नड्डा जी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। युवा मोर्चा उम्मीद करता है कि हिमाचल को अब वो विश्व स्तर पर ले जाएंगे और जो भी विकास के कार्य होंगे उनको जोर शोर से केंद्र में रखेंगे और विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पहले जेपी नड्डा जी केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसका लाभ भी प्रदेश को मिला है। स्थानीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री बने हैं और प्रदेश की जनता उनसे उम्मीद करती है कि पहले की भांति इस बार दोनों मिलके प्रदेश के विकास में चार चांद लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको ख़त्म करने में अपनी भूमिका जो है वो निरंतर रूप से निभाएंगे।